हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी सी अकेडमी टूडे विल डिस्कस अबाउट टेस्ट सीरीज ऑफ फिजिक्स ओके तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल लाइट इज ए फॉर्म ऑफ अकॉर्डिंग टू हाइजन जो लाइट है वो किसकी फॉर्म है फर्स्ट ऑप्शन है पार्टिकल सेकेंड ऑप्शन है रे थर्ड ऑप्शन है वेव एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज ओके तो हाइजन ने बोला है जो हमारी लाइट होती है वो लाइट क्या होती है हाँ जी लाइट जो है उसका एक पार्टिकल नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है और एक होता है उसका वेव नेचर ओके जो वेव नेचर डिस्कवर किया है वो किसने किया है आपका हाइजन ने ओके हाइजन ने जो किया है वो क्या किया है वेव नेचर को जो है लाइट के वेव नेचर को जो है डिस्कवर किया है या उस प्रिंसिपल को दिया है हाइजन ने तो इसका ऑप्शन आपके पास सी रहेगा यहां पे अब बात करें अगर पार्टिकल नेचर की तो पार्टिकल नेचर जो है डिस्कवर किया है वो किया है आपका आइंस्टन ने ओके okay? तो ये याद रखना है लाइट के जो है पार्टिकल नेचर भी है और वो वेव नेचर में भी आपकी फॉरवर्ड चलती है जो लाइट है ओके okay? तो जो पार्टिकल नेचर है वो आइंस्टीन ने किया है और वेव नेचर जो है हाइजन ने किया है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डस एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट ओके हाँ जी अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे बनाओगे यहाँ पे इस तरह से इस साइड को आपने वेलोसिटी ले ली इस तरह से इस साइड को आपकी वेलोसिटी है और इस साइड को आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है ओके अब इसके अंदर जो एरिया है मान लो हमने क्या किया टी टाइम पे हाँ जी यहाँ पे टी वन टाइम पे जो है, उसको क्या बोल बोल दिया, दिया, और टी टू टाइम वेलोसिटी है उसको क्या बोल दिया वी टू बोल, बोल दिया तो हमने इसको अगर इस तरह से आगे फॉरवर्ड किया इस तरह से यहां पे और इसको यहाँ पे इस तरह से मिलाया नीचे इस तरह से और यहाँ पे क्लियर तो अब यहां पे ये जो एरिया है ये वाला जो एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूछा गया आपको तो एरिया अंडर हाँ जी टाइम ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है तो आपने याद रखना है वो रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट को क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द वैल्यू ऑफ एस के विरोस्टी इज मिनिमम ऑन जी एस के विस्टी की जो वैल्यू है मिनिमम कहां पे होगी तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो एसके वेलोसिटी है यह क्या होती है ओके तो एसके वेलोसिटी क्या है मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर टू पुट ए ऑब्जेक्ट आउटसाइड द अर्थ सरफेस ओके अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ एटमोस्फेयर से अर्थ के सरफेस से बाहर भेजना है तो उसके लिए जो मिनिमम स्पीड उसको देनी पड़ेगी उसको क्या बोला जाएगा एस्केप विलोस्टी अगर मैथमेटिकली बात करूँ तो v जो रहता है एस्केप विलॉस्टी जो रहती है वो रहती है अंडरूट टू जी आर के इक्वल और अगर मैं बात करूं कि एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है अर्थ के लिए तो अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी रहती है वो रहती है हाँ जी अगर वैल्यू देखें तो क्या रहेगी आपके पास इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड ओके तो अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड क्लियर अब आपने यहां पे देखो कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है जो आपका रेडियस है प्लेनेट का तो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट आर के आप ऐसा बोल सकते हो तो जैसे जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसकी एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा होगी तो यहां पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं अर्थ मार्स मून एंड जुपिटर ओके तो यहां पे जो है मून जो है इसका राइट ऑप्शन रहेगा इसका रेडियस कम है एज कंपेयर टू अर्थ मार्स एंड जुपिटर तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी कम होगी क्योंकि इसका रेडियस कम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू हां जी ग्रीन हाउट हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है तो फर्स्ट ऑप्शन है यूवी रेज सेकंड ऑप्शन है विजुअल लाइट थर्ड ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोवेव्स ओके okay? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी इंफ्रारेड रेज ओके ग्रीन हाउस इफेक्ट जो शो करते हैं वो कौन है इंफ्रारेड रेज जो है वो शो करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए चाइल्ड स्विंगिंग ऑन ए स्विंग इन सिटिंग पोजिशन स्टैंड अप देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल तो टाइम पीरियड क्या होगा यह बोला गया है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड रहता है सिंपल पैंडलम का वो किसके को रहता है हां जी वो रहता है आपके पास अंडर अंडरूट हां टू पाई अंडर रूट टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी two pi root, two pi root, L upon G. तो यहां से आप देखिए जो टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड क्या करेगा इनक्रीज करेगा क्लियर है तो यहां पे अब देखिए मान लो यहाँ पे ये यह आपके पास हाँ जी ये कोई झूला है यहाँ पे ओके okay? और यहाँ पे जो है कोई पर्सन है कोई चाइल्ड है वो यहां पे बैठा हुआ है यहाँ पे इस तरह से ओके okay? अब क्या है पहले बैठा हुआ था अब क्या हुआ ये इसकी लेंथ है यहां से यहां तक जो है ये क्या है हाँ जी ये है आपकी लेंथ अब ये चाइल्ड जो बैठा हुआ है ये जब स्टैंड होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी मतलब इसकी हाइट कहां तक हो जाएगी मान लो यहां तक हो गई अब जो लेंथ क्या हो गई यहां से अब ये length क्या होगी डिक्रीज हो गई decrease हो जिसको मैंने क्या बोल दिया एल डैस अब लेंथ जो है डिक्रीज होगी तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा डिक्रीज करेगा ओके okay? तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि जब एक चाइल्ड जो है वो स्टैंड अप होगा तो उसकी जो डिस्टेंस है वहां से कहां से सरफेस से जहां पे वो रोप जो है टाइट की गई है तो वहां से लेंथ जो है डिक्रीज हो जाएगी इसलिए टाइम पीरियड भी जो है वो क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा यहाँ पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर रजिस्टेंस क्या रहेगी आइडियल एमीटर की तो देखिए एमीटर जो है वो क्या करता है करंट को मेजर करता है किसको मेजर करता है करंट को ओके okay? करंट को मेजर करता है अगर करंट को ये मेजर कर रहा है तो इसमें से जो है करंट जो है इजीली फ्लो कर, करेगा तभी ये करंट को मेजर कर पाएगा तो यहां पे जो रेजिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी तो वो रहेगी आपके पास ऑप्शन सी जीरो अप्रोक्सीमेटली जीरो के इक्वल रहेगी कुछ भी जो है आपकी तभी वो करंट को ईजिली मेजर कर पाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द क्वान्टिटी विच नॉट चेंज व्हेन साउंड एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम हाँ जी जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसमें कौन सी क्वांटिटी जो है चेंज नहीं होगी हाँ जी ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन है वेवलेंथ सेकेंड ऑप्शन है स्पीड थर्ड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी तो इसका राइट right ऑप्शन रहेगा आपके पास ऑप्शन सी फ्रीकवेंसी ओके फ्रीकवेंसी जो है राइट right ऑप्शन रहेगा और वेवलेंथ और स्पीड जो है वो दोनों क्या होंगी चेंज हो सकती है बट फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी जब क्या है साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेंगी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एस्केप फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इलेवन पॉइंट टू किलोमीटर पर सेकेंड इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द वर्टिकल द एस्केप ऑफ द बॉडी विल बी हां जी एक बॉडी है जिसकी जो एस्केप वेलोसिटी है अर्थ पे वो कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है अगर बोल रहे हैं अगर उसको एंगल 45 डिग्री से उसको फेंका जाए तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जो बताया कि एस्केप स्पीड जो रहती है अर्थ के लिए वो किसके एक को रहती है अंडरूट टू जी आर तो स्पीड जो है वो किसके डिपेंड करती है साइज ऑफ प्लेनेट और जी की वैल्यू पे ओके इसके ऊपर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी जो है थीटा के ऊपर मतलब एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ठीक है डज नॉट नॉट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी इसलिए जो एस्केप स्पीड रहेगी वो सेम रहेगी जितनी पहले थी मतलब ऑप्शन बी आपके पास यहां पे करेक्ट रहेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज हां जी स्पीड है जो प्रोजेक्टाइल की वो हाफ हो जाती है कहां पे मैक्सिमम हाइट पे इनिशियल स्पीड के तो बोला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा तो मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया यहां पे ओके okay? यहां पे कोई ऑब्जेक्ट लिया ओ पॉइंट से उसको हाँ जी ओ पॉइंट से उसको क्या किया इनिशियल लॉस्टी दी उसको हाँ जी ओ पॉइंट पे उसको इनिशियल लॉस्टी दी वी नॉट और किस एंगल पे फेंका उसको तो थीट एंगल से फेंका तो कुछ जब उसको मैंने इस तरह से फेंका तो क्या हुआ कुछ देर के बाद क्या करेगी वो ग्राउंड को हिट करगी ए पॉइंट पे क्लियर अब इसने यहां पे बीच में इसके पास में जो है एक हाइट जिसने अटेन की होगी ठीक है तो इस मैक्सिमम हाइट पे जो है वो जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो डैश मैंने इसको बोले, यहां पे स्पीड रही होगी तो यहां पे मैंने क्या बोला कि वो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगी ये क्वेश्चन में बोला गया है ठीक है तो अब क्या निकालना है आपको ये एंगल फाइंड करना है तो अगर मैं इस नॉट कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दू या वी नॉट वैक्टर को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा इस साइड को मैंने क्या ले लिया वी नॉट कॉस हिट्टा और इस साइड को क्या ले लिया मैंने वी नॉट साइन सीटा क्लियर तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v डैश इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टू और यहाँ पे जो आपने कंपोनेंट है हॉर्जेंटल डायरेक्शन में हम मोशन देख रहे हैं तो यहाँ पे v डैश जो रहेगा वो किसके को रहेगा v डैश इज इक्वल टू वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल रहेगा अब ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल अब वी से कैंसिल हो जाएगा Cos सीटा आपके पास किसके आ जाएगा? 1 by के. अब cos सीटा जो है 1 by 2, कितने कितने रहता रहता है? है है? है है जी। तो जो है 1 by 2, कितने पर रहता है? तो जो की क्या रहती रहती तब? वो रहती है आपके पास 60 degree. तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा सिक्सटी डिग्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड मटेरियल कंडक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द मटेरियल इज यूज्ड हाँ जी तो एक अनोन मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज करती है जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पूछा गया है कि वो मटेरियल कौन सा होगा ऑप्शन दिए गए हैं कंडक्टर होगा सेकंड ऑप्शन दिया गया है इंसुलेटर होगा थर्ड ऑप्शन है सेमी कंडक्टर या फोर्थ ऑप्शन है फेरोमैग्नेटिक तो इसका जो राइट right ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास सेमी कंडक्टर तो सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर सेमी कंडक्टर वो क्या रहेगी आपके पास वो आपके पास रहेगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओके जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब करंट उसमें से इजीली फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 9.8 न्यूटन इज इक्वल टू हां जी 9.8 न्यूटन जो है किसके इक्वल रहेगा क्वेश्चन आया था डायरेक्ट ही हां जी बताएंगे वन किलोग्राम फोर्स के इक्वल रहेगा वन किलोग्राम वेट के इक्वल रहेगा ये बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज हां जी तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा जो नाइन पॉइंट एट न्यूट्रन है वो रहेगा आपके पास वन किलोग्राम फोर्स के इक्वल रहेगा और यही आपके पास नाइन पॉइंट एट न्यूट्रन जो है जो आपके पास रहेगा वो रहेगा वन किलोग्राम वेट के इक्वल ये दोनों के इक्वल रहेगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था अगर सी में बात करूँ तो सी में इसका क्या हो जाएगा वन किलोग्राम फोर्स हाँ जी वो कितने डाइन के इक्वल होता है इस तरह से पूछा जा सकता है तो नाइन एटी डाइन के इक्वल रहता है और अगर आपसे पूछा है वन ग्राम वेट तो वन ग्राम वेट जो रहता है वो भी आपका किसके इक्वल रहेगा नाइन एटी डाइन के इक्वल रहेगा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पार्सेक इज द यूनिट ऑफ पार्सेक जो है किसकी यूनिट है ऑप्शन दिए गए हैं टाइम सेकेंड ऑप्शन डिस्टेंस थर्ड ऑप्शन फ्रीक्वेंसी फोर्थ ऑप्शन एंगुलर एक्सोलेशन तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी डिस्टेंस की यूनिट है पारसेक और आपने याद रखना है कि वन पारसेक में कितने मीटर होते हैं तो वन पारसेक इज इक्वल टू थ्री पॉइंट पावर सिक्सटीन मीटर के इक्वल रहता है ओके ओके पारसेक इज इक्वल टू टू पावर मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है वट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग जी ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमन बींग के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ऑप्शन दिए गए ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्स सेकंड ऑप्शन ग्रेटर देन ट्वेंटी थाउजेंड हर्स थर्ड ऑप्शन लेस देन ट्वेंटी हर्स या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन ए ऑडिबल रेंज जो रहेगी ह्यूमन बेंग के लिए वो रहेगी ट्वेंटी हर्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एसआई यूनिट पूछी गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की हाँ जी तो ऑप्शन में दिया गया है कूलम मीटर पर स्क्वायर, एम्पीयर मीटर पर मीटर वोल्ट पर मीटर, कूलम पर मीटर हाँ जी तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा सही हाँ जी तो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वोल्ट पर मीटर देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके को रहती है रिलेशन है आपके पास डीवी अपॉन डी आर ओके डी आर यहां पे क्या है डिस्टेंस है और ये क्या है आपके पास पोटेंशियल है तो अब पोटेंशियल की यूनिट क्या रहती है पोटेंशियल की यूनिट रहती है वोल्ट और डिस्टेंस की यूनिट रहती है मीटर तो यहां से आपके पास यूनिट आ जाएगी वोल्ट पर मीटर और आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है हां जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जो है आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज तो ये भी रहता है रिलेशन ये भी आपके पास एक रिलेशन है जहां से ये यूनिट पूछी गई थी ओके आज का लास्ट क्वेश्चन है मिराज इज फिनोमिना ड्यू टू हाँ जी मिराज जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से होता है ऑप्शन में दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सेकेंड ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थर्ड ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फोर्थ ऑप्शन है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हां जी तो इसमें जो राइट right ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जो है मिराज इफेक्ट जो है बेस है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही जो है जो आपका डायमंड है वो क्या करता है स्पार्कलिंग करता है तो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओके ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है आपकी हां जी ऑप्टिकल फाइबर वो भी किसके ऊपर बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ओके okay? तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू